नमस्कार, यूपी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। सदर तहसील के डकशरीरा में करीब सप्ताह भर पहले एक अद्भुत घटना हुई। 5 साल पहले गिरे जिस पीपल के पेड़ को व्यापारी कई टुकड़ों में काट चुका था, उसी के बचे हुए कुछ हिस्से इस बार बरसात में फिर से जुड़ गए। तने जुड़े ही नहीं बल्कि एक विशालकाय पेड़ की शक्ल में खड़े भी हो गए हैं। यह बात पूरे इलाके में जंगल के आग की तरह फैल गई है। लोग इसे दैवीय शक्ति मानकर पूजा पाठ के लिए वहां पहुंच रहे हैं। डकशरीरा निवासी इंद्र नारायण चौबे के बाग में पीपल का एक बड़ा पेड़ था। 5 साल पहले हुई बरसात के दौरान पीपल का पेड़ गिर गया। इस पर इंद्र नारायण ने पेड़ का एक व्यक्ति के हाथ सौदा कर दिया था। खरीदार ने पेड़ की शाखाएं काट ली लेकिन तने के हिस्सों को 4 भागों में काट कर छोड़ कर चला गया। तब से वह वापस नहीं आया। इंद्र नारायण ने भी पेड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। पिछले सप्ताह हुई बरसात के दौरान एक अजीब घटना ने लोगों को चौंका दिया। तने के अधकटे हिस्से ना सिर्फ आपस में जुड़े बल्कि पेड़ की तरह खड़े हो गए। यह बात धीरे धीरे पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। सोमवार को जहां पेड़ खड़ा हुआ था वहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन के लिए भी पहुंचे। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज का कहना है कि वैज्ञानिक तौर पर ऐसी घटनाओं के प्रमाण नहीं है। यह हो सकता है कि कहीं पेड़ काटा गया हो और उसका तना या जड़ें जमीन के काफी नीचे रह जाने के कारण पेड़ दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन इस तरह की घटना समझ से परे है। फिलहाल इसे अंधविश्वास ही कहा जा सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो जहां पर पीपल के वृक्ष का पुनर्जन्म हुआ है वहां पर अब चबूतरा बनाकर पूजा पाठ कराने की तैयारी की गई है। यूएफटी लाइव टीवी अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली खबरों से दूरी भी बनाता है। सूत्रों की माने तो यहां तक दान पेटियां व खुला दान लिए जाने की भी योजना तैयार कर दी गई है। जिस परिवार का यह वृक्ष है वह इस पर विचार कर रहा है। पीपल के वृक्ष की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता ने वन विभाग के लोगों से कई बार फोन पर हकीकत जानने का प्रयास किया लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। गांव के लोगों से इतना जरूर पता चला कि जिस वक्त व्यापारी टहनियों को कटवाने के बाद तना कटवा रहा था तो उसका आरा कई बार टूटा। जानकारों की माने तो पुराने पौधे में गांठ होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। तने पर 4 जगह आरे के निशान थे लेकिन कोई भी तना समूचा नहीं कर सका था। हाँ तो दादाजी ये बताइए मेला काहे लिए लगा हुआ है? ये बारह बाबा के। अच्छा, मतलब यहाँ कैसे क्या सिस्टम होता है? अब सिस्टम था, पहले पड़े थे जमीन में, 5 साल की गिरे हैं। इसके बाद अपने आप खड़े हो गए। अच्छा, बहुत लोगों की रक्षा हो रहा है। मतलब जो आदमी आता है यहाँ एकदम ठीक हो जाता है, एकदम मतलब रोता आता है, हंसता हुआ जाता है। चलिए ठीक है, तो ये कब से सिस्टम लागू है यहाँ का? 10 दिन हो गए हैं। मतलब यहाँ काफी दूर दूर से भी आदमी आते होंगे। यूएफटी लाइव के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट।